हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग्स में देखा होगा, हम लोग मनाली आए हुए हैं और अभी हम हैं इस टाइम सेथन विलेज में, जो कि मनाली का एक विलेज है जिसे इग्लू विलेज भी बोला जाता है। और हम यहां पर अभी आपको इग्लू मेकिंग और इग्लू में स्टे करने के बारे में सारी दिखाने वाले हैं, एंड इग्लू बनाए कैसे जाते हैं वो प्रोसेस आपको दिखाएंगे आज। तो ये देखिए, दो इग्लू यहाँ पर बने हुए हैं और तीसरा जो है वो प्रोसेस में है, अभी वो बन रहा है। तो चलिए उसकी मेकिंग मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इग्लू बनाए जाते हैं। और गाइज, ये देख सकते हो आप, और इग्लू हमारे सामने जो है बना रहे थे। और जो ये ट्रे जो आप देख रहे हो, इस ट्रे में इस तरह से आइस डाली जाती है और आइस को अच्छे से फिक्स कर देते हैं ट्रे में। बेसिकली इससे ईंटें बनाई जा रही हैं, जो कि इग्लू को बनाने के लिए ईंटें राउंड में फिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए, ट्रे को लेकर जा रहे हैं और इस ट्रे से अभी आइस को निकालेंगे तो वह एक ईंट की शेप में निकलेगी, तो आपको देख के ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा। तो ये देखिए गाइस, ये अभी प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक ईंट की शेप में बन चुकी है और इसे जो है अभी इग्लू पे फिक्स कर देंगे अच्छे से। और गाइज, एक इग्लू को बनाने में 6 से 7 दिन लग जाते हैं। यस गाइज, 6 से 7 दिन, मुझे भी सुन के थोड़ी हैरानी हुई थी। बट यहाँ पर जो ये भैया काम कर रहे थे सारे, इन्होंने हमें बताया कि 6 से 7 दिन लग जाते हैं और काफ़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में, इतनी ठंड में बनाते हैं। और तो आप देख सकते हो, ये ईंट को इन्होंने इग्लू पर फिक्स कर दिया है और काफ़ी ध्यान से बनाया जाता है कि कुछ भी मिस्टेक ना हो, और काफ़ी अच्छे से ध्यान से देख के इसको बनाया जाता है। और गाइज, जब इतनी मेहनत लगती है तो मुझे नहीं लगता कि चार्जेस ये इतने ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि इसके चार्जेस जो होते हैं वो पर पर्सन 5000 रुपीज़ होते हैं। और जब 6-7 दिन लगते हैं एक इग्लू को बनाने में, और गाइज ये सिर्फ एक इग्लू 3 से 4 दिन ही चलता है, उससे ज़्यादा नहीं चलता है। तो मुझे लगता है इतनी मेहनत के बाद यार 5000 पर पर्सन कुछ ज़्यादा नहीं है, है ना, क्योंकि यार मेहनत तो लग रही है बनाने में। और आप देख सकते हो, सो गाइज, आपने मेकिंग देख ली है इग्लू की। तो चलिए अभी आपको अंदर से दिखा देती हूँ कि अंदर से इसके अंदर क्या क्या होता है इग्लू के। और तो ये देखिए गाइज, हम लोग एंटर कर रहे हैं इग्लू में। और ये देखिए, इसके अंदर हमें 2-3 ब्लैंकेट दिए जाते हैं जिससे कि हमें ठंड ना लगे। और जो आप ये देख रहे हो बेड जो बना हुआ है, वो भी पूरा आइस का ही बना हुआ है। तो ये देखिए, पूरा आइस का ही है। और यहाँ पर एक अंदर डस्टबिन रखा हुआ था, और आपको चार्जिंग वगैरह के लिए भी पूरी फैसिलिटीज़ अंदर होती है। और आपको एक हीटर बैग दिया जाता है ताकि आपको ठंड बिल्कुल ना लगे अंदर। और गाइज, इग्लू को देखने के लिए आपको 1000 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, फ्री में आपको इग्लू विजिट नहीं करने देते हैं। और रात को व्यू अगर आप स्टे करते हो तो व्यू और ज़्यादा अमेजिंग होता है और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, क्योंकि बॉनफायर वगैरह होता है रात को और म्यूज़िक भी होता है लाइव। तो आप स्टे करना चाहो तो स्टे कर सकते हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, मुझे कोल्ड है और गला ख़राब है। और अभी हम जा रहे हैं हेलीकॉप्टर की राइड करने, तो देखते हैं अगर हो जाती है नहीं, क्योंकि शायद ही है होगा, क्योंकि बोल रहे हैं कि मिनिमम 4 मेंबर्स चाहिए और हम 2 ही हैं, मेरे हस्बैंड और मैं। तो कह रहे हैं अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट करना पड़ेगा 2 मेंबर्स और के लिए। देखते हैं जाके अगर हो जाता है ठीक है, वरना फिर हडिम्बा देवी का जो मंदिर है वहां पर जाएंगे इसके बाद। बाकी मजा आने वाला है अगर हेलीकॉप्टर से राइड हो जाती है, क्योंकि पूरा मनाली जो है देखने को मिलेगा हमें अच्छे से। और डर भी लग रहा है, पता नहीं ऊपर से देखने में नीचे बहुत ज्यादा डर लगता है। बाकी देखते हैं क्या होएगा, अभी जा रहे हैं वहीं पर। और वेदर का तो कुछ ऐसा है कि अभी धूप ही निकली हुई है, पता नहीं स्नोफॉल होगा या नहीं, क्योंकि हम तो स्नोफॉल का वेट कर रहे हैं भाई। होए थोड़े बहुत चांसेस हैं आज रात को होने की, या फिर कल होने के चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल के। और देखते हैं बाकी होती है या नहीं, आपको दिखाते रहेंगे सब। और चलिए चलते हैं। अरे वाह, Take the first right, then turn right. है
हेलीपोर्ट का जो रास्ता है वो सोलांग वैली की साइड जाते हुए 1 किलोमीटर दूर मनाली से। लेकिन उड़ता है ये। अच्छा। आगे से वो गेट लगा वहाँ से रास्ता है। सो गाइज हम लोकेशन पर पहुंच तो गए थे बट बोल रहे हैं कि आज संडे है तो हेलीकॉप्टर बंद है, आज नहीं होती है राइड वगैरह। तो अभी फिर देखते हैं, मंदिर जा रहे हैं हडिम्बा देवी का मंदिर, वहां चलते हैं फिर। मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, आज गला ख़राब है और कोल्ड हो रखा है मुझे। तो चलिए वहां चलते हैं मंदिर। हेलीकॉप्टर राइड तो हम नहीं कर पाए हैं आज। अंकल हडिम्बा मंदिर सीधे चल जाओ यहाँ से, फिर टर्न आगे एक आगे आएगा सीधे आगे एक जमा। थैंक यू अंकल। फोटो लेना है लो गोद में। नहीं अरे ले लो बेटा, 30 रुपए पुराना खरगोश तो ले आंटी। ये पकड़ो बेटा, लो ये सनी लेते हाथ में पकड़ो, ले लो बेटा पकड़। आते ले लूंगी ना, आते नहीं बेटा देगा। अभी जाओ जोड़े में एक शीप पकड़ो, उल्टा मत करो बेटा, फोटो पकड़ो बेटा। ऊपर करे चोटी फोटो की दो यहाँ का, हाँ तब ये अच्छा आएगा ना इसका। फोटो ले लेना और स्नैप पे वो इसकी धड़कन ऐसे ऐसे चल। डर गया बेचारा, मास्क उतार, मुंह ही नहीं दिख रहा इसका बेचारे। फिर फिर हाँ देखो ना इसका चाची को भाई चाची। ये लो ऐसा ले लो बेटा, ले लो बैठ के ले लो। तो गाइस हम बस मंदिर पहुंच गए हैं, इधर ये मंदिर है, पैदल जा रहे हैं और प्रसाद हमने ले लिया। सो गाइज हमने मत्था टेक लिया अंदर, बट अंदर फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं थे तो इसलिए अंदर की वीडियो वगैरह कोई नहीं बना पाई हूँ मैं। तो अभी हम वापस जा रहे हैं। अब बनाओ फुल
भैया चने की दाल है, चने चाटो भाई, देखते मत जाओ, खाते जाओ भैया, टेस्ट करो, देख लो भैया कितने का। 50 भैया। कितना? 50 मरेगा। 20 किलो का दिया सर, बड़े में आपका 50 अगर छोटे में खाते 40। छोटा कर देना, एक एक छोटा बना दूं। आप तुम्हें मिर्ची कम रखना क्या मैम जी? मिर्ची आप मिर्ची मत डालना, लाल मिर्ची तो बिल्कुल मत डालना। अगर हरी मिर्ची एक दो फीस आ जाए तो? हाँ वो तो कोई नहीं। चलो सो गाइज, यहाँ पर एक हडिम्बा एडवेंचर पार्क भी था जहाँ पर आपको सारी एक्टिविटीज़ वगैरह करने को मिलती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो। तो इसके अंदर भी आप आकर देख सकते हो, ये हडिम्बा देवी मंदिर के बिल्कुल पास में ही पड़ता है और वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। रोड है क्या? तो अंदर से आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये इस तरह का कुछ है अंदर से। ऐसी लग रही थी। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बट हमने कोई एक्टिविटी वगैरह नहीं की थी क्योंकि हम सोलांग वैली में ऑलरेडी सारी एक्टिविटीज़ कर चुके थे। तो हमारी ये मनाली का ये लास्ट डे था आज। सो गाइस, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरी लास्ट वीडियो थी मनाली की, और आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी मनाली की, तो सारी आपको कैसी लगी मनाली सीरीज़ आप मुझे ज़रूर बताना, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय बाय।